हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, और वो हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होता है थ्रू देयर वेट। ठीक है, तो मतलब उनका जो वेट होगा जब वो कंबाइन होंगे तो हमेशा वो एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन होंगे। ठीक, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, अब जो कंपाउंड होता है वो तीन पार्ट्स में सब डिवाइड होता है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसिड क्या होता है। तो जो एसिड होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सार होता है टेस्ट में। ठीक है, खट्टे होते हैं टेस्ट में, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू, संतरा, ये सब जो सार होते हैं टेस्ट में इनको हम एसिड कहते हैं, या इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या करता हो, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता हो। ठीक, तो लिटमस पेपर ऐसा समझो फिलहाल कि एक ये टेस्ट करने के लिए होता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसको चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। ठीक, तो अगर उस लिटमस पेपर का कलर कोई कंपाउंड ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम एसिड बोलते हैं। ठीक, एक और तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो एसिड वो है जो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन बनाता हो। ठीक है, H प्लस आयन देता हो। ठीक है, वैसे वो वाटर के साथ कंबाइन होके H3O आयन बना लेगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक, तो H आयन, H प्लस आयन या H3O प्लस आयन जो देता हो, या सिंपल टर्म्स में बोले हाइड्रोनियम आयन जो देता हो कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में, उसको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस की। तो जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, कड़वे होते हैं टेस्ट में। और जो ये क्या करते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है रेड कलर का, उसको ब्लू में टर्न करते हैं। ठीक, या एक और डेफिनेशन के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड जो वाटर की प्रेजेंस में OH आयंस देते हों, उसको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आयंस की बात हुई तो आयंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आयंस दो टाइप के होते हैं, या तो कैटायन और एनायन। ठीक, तो कैटायन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एनायन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, तो जो भी सब्सटेंस क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम एनायन बोलते हैं। और जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसकी बात कर रहे थे कि जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड क्या करता हो, OH आयन बनाता हो, OH आयन और OH के ऊपर नेगेटिव आयन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, वहां पे जो हाइड्रोजन आयन था एसिड में उसमें पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड को हम बेसिस बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखें इसके, तो बेसिस का एग्जाम्पल हो गया NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक, और तीसरी जो कैटेगरी होती है कंपाउंड्स की वो होता है सॉल्ट। ठीक, तो सॉल्ट जो होता है बेसिकली एसिड और बेसिस को मिला के बनता है। ठीक, तो अगर इसके इसको देखें तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं इक्वल नंबर में। ठीक, जिस वजह से वो जो सब्सटेंस होता है या वो जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो टोटल मिला के जीरो हो जाता है। उसमें उतने ही एनायन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतना ही कैटायन भी होंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो टोटल में अगर उसको देखें तो टोटल में वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जो कॉमन सॉल्ट ही हम घर पे यूज करते हैं NaCl, वो इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर्स की। ठीक, तो एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि मिक्सचर्स होता क्या था।
तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड को मिक्स करके बनता हो, ठीक, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होते एक साथ, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक। तो अब जो है मिक्सचर भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, सब कैटेगरीज में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें क्या होता है कि जो भी उसमें सब्सटेंसेस हमने मिक्स करे हुए हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वाटर में अगर हम शुगर मिक्स कर देते हैं और उसको घोल लेते हैं तो वो शुगर क्या होती है पूरी तरीके से उसमें पानी में घुल जाती है, ठीक। फिर हमें ये नहीं पता लगता कि कहाँ पे शुगर है और कहाँ पे नहीं होगी, तो वो पूरी तरीके से उसमें घुल चुकी होती है, ठीक। और हम उसको सिप बाय सिप अगर टेस्ट करके भी देखें तो बार बार वो टेस्ट हमें एक जैसा ही लगता है, ठीक। ऐसा नहीं होता कि एक सिप में वो ज्यादा मीठा लग रहा हो और एक सिप में वो कम मीठा लग रहा हो, तो वो एक जैसा ही टेस्ट आता है उसका। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। और दूसरा इसका जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इनकी जो विजुअल बाउंड्री होती है सेपरेशन की वो नहीं होती है, जो इसमें पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या जो भी एलिमेंट है सब्सटेंस मिक्स हुए हैं, ठीक है। जैसे शुगर और वाटर की बात कर रहे थे हम, तो शुगर और वाटर में हम अलग अलग नहीं बता पाएंगे जब वो घुल गया उसमें कि शुगर ये है और वाटर ये, अलग अलग करके नहीं बता सकते, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हो गया वाटर और शुगर, और वाटर और सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है इसमें वो होता है हेटरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेटरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें जो जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस जो कंबाइन हुए हैं वो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सैंड में हम शुगर मिला लें, मिक्स कर लें, ठीक है। तो शुगर हमने अगर मिक्स करी है तो वो कहीं एक हिस्से में ही उसमें मिक्स हुई होंगी, पूरी तरह से वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होगी, तो इस वजह से उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। और जो उसकी सेपरेशन की बाउंड्रीज भी होती हैं वो विजुअल होती हैं। तो विजुअल सेपरेशन बाउंड्रीज क्या होती हैं, दिखती हमें, ठीक। तो उसमें हम अलग से दोनों की बाउंड्री को अलग अलग पहचान सकते हैं, मतलब सैंड हमें अलग से पहचान में आ जाएगी उसमें, और शुगर उसमें अलग से पहचान में आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए इसके शुगर और सैंड हो गया, सैंड और आयरन नेल्स हो गया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी इसके पार्ट्स देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर केमिस्ट्री के, तो उसमें हमने अभी तक क्या सीखा, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से फिर मैटर बनता है, मैटर को फिर दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में और एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर्स में। फिर इसको एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग टाइप से, एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, और वहीं पे कंपाउंड्स को जो है क्लासिफाई किया जाता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, और मिक्सचर्स को क्लासिफाई किया जाता है होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स में। तो इस टाइप से चीजों को सीखना आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।